सरकारी स्कूल पड़िया को माड़ी बसी विडीए यूनिट 6 सरकारी उच्च बालक विद्यालय खेल पड़िया को नहीं बिवाद निर्माण कार्य को बेआईन कई स्थानीय बासिंदा विरोध खेल पड़िया को निज अख्तियारे विडीए रखिवा नहीं आसी संगीन अभियोग राजधानी भुवनेश्वर यूनिट 6 स्थित सरकारी उच्च बालक विद्यालय खेल पड़िया निर्माण काम को नहीं अड़ुआ विडीए विद्यालय कर्तृपक्ष बिना अनुमति रे पाचेरी भांगी विडीए सेठारे बेआईन भाव निर्माण कार्य करुवा अभियोग उन्नतीकरण ना रे विडीए रे मनोमुखी निर्माण को स्थानीय बासिंदा विद्यालय अभियोग कमिटी और पुरातन छात्र संघ पक्षर जोरदार विरोध करा जायछि। हमरो बुधवार दिन हठात आम देख लु गेट सामने जो गेट अच्छी भांगिक किसी लोक आसी कम कले तेणु आम पुरातन छात्र हिसाब से आम अंचल एकमात्र खेल पड़िया ओपन स्पेस गोटे भीमपुर सूर्यनगर 6 नंबर ये 50,000 लोक गोटे ओपन स्पेस अच्छे आना यहाँ पुणी ये पड़िया पुणी दिभाग में विभक्त व्यवहार हो खंडार विभिन्न प्रकार सब पिला फुटबल कबाडी खेलते क्रिकेट खेलती भलीबल खेलती बर्तमान यहीटा को नहीं जाऊँगी जोटा विरोध करतम भिसी आसते आम सहित सौहार्दपूर्ण वातावरण भर में कथबार्ता हलु एवं किसी तम पॉइंट थी मत किसी पॉइंट थी सी कि छाड़क राजी अच्छा आम भी किसी छाड़क राजी अच्छा विषय में आउ थे आलोचना हम एवं आलोचना हालापर आम फाइनाल गोटे निष्कर्ष में पहुंचू। मुख्यमंत्री मो स्कूल कथा कहता बेले विडीए कर्तृपक्ष बेआईन कार्य कर मुख्यमंत्री छवि को मलिना करुवा कथा कही पूर्व यह विरोध कर विद्यालय अभिभावक कमिटी और पुरातन छात्र संघ सेपटे बिवाद घनैवापर बीएमसी कमिशनर प्रेमचंद चौधरी यूनिट 6 सरकारी उच्च बालक विद्यालय खेल पड़िया पहुंची स्थिति अनुध्यान अभिभावक कमिटी सह आलोचना करीडीएर कार्य एवं खेल पड़िया उन्नतीकरण बीएमसी कमिशनर प्रेमचंद चौधरी से जगह ऊपर गोटे आमार स्कूल संगे एलुमुनी एंड तांकर एसोसिएशन एंड देन बीडीए रा जो डेवलपमेंट वर्क थिला से भितरे गोटे आम डिस्कशन कलु एंड सब माने एकमत हेले कि गोटे जेमिति गोटे ए बढ़िया सेटलमेंट करिबा कि डेवलपमेंट काम भी हो एंड स्कूल रा पिल्ला मानकर खेल पड़िया विषय रे डेवलपमेंट जो करा जिबो से माने गोटे डिमांड देबे एंड बीडीए एंड गवर्नमेंट तरफ रे आम ताकू कराइबो। तेबे बिना अनुमति रे सरकारी विद्यालय रो पाचेरी भांगीबा केते दूर जुक्ति युक्त जहारो पुंखानुपुंख जांच हेबा सह विद्यालय उन्नति करिबा दरकार। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन चिन्मय साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज।